इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। लोकसभा में अमित शाह ने विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं है। हमने विपक्ष के दोनों नेताओं को चिट्ठी भी लिखी है। अमित शाह की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है। जोरदार हमला उन्होंने विपक्ष पर बोला। विपक्ष पर निशाना साधते हुए अमित शाह दिखाई दिए। मणिपुर के मुद्दे को लेकर सरकार चर्चा के लिए तैयार है और इसी वजह से विपक्ष के नेताओं को पत्र भी लिखा गया है। इसका जिक्र अमित शाह ने किया और साथ साथ ये भी कहा कि मणिपुर का जो मुद्दा है वो संवेदनशील मुद्दा है। लोकसभा में अमित शाह की ओर से बयान दिया गया और साफ तौर पर ये कहा गया है कि सत्ता पक्ष जो है वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं है। तो ये बड़ा हमला विपक्ष पर अमित शाह की ओर से किया गया है, क्योंकि मणिपुर के मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था कि चर्चा तभी होगी जब प्रधानमंत्री बयान देंगे। हालांकि गृहमंत्री अमित शाह पहले भी कहते रहे हैं चूंकि ये मसला उनके अंडर आता है और ऐसे में वो चर्चा के लिए तैयार है, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, ऐसे में इस संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन लगातार विपक्ष जिस बात पर अड़ा हुआ था उसे लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से भी आज सुबह बयान दिया गया। वहीं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर हमला बोला। जेपी नड्डा ने विपक्षी गठबंधन के नाम पर भी निशाना साधा। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर विपक्ष के गठबंधन के नए नाम पर तंज भी कसा है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, विपक्ष पर जेपी नड्डा की ओर से बड़ा हमला किया गया और साथ साथ कहा गया एक बच्चा सभी परीक्षाओं में फेल हुआ, उसे साथी पड़ोसी पसंद नहीं करते हैं, इस तरह का एग्जाम्पल देते हुए जेपी नड्डा की ओर से बहुत बड़ा हमला किया गया। दरअसल विपक्षी एकजुटता वाले गठबंधन ने इंडिया नाम रखा है अलायंस का और ऐसे में तमाम जो कटाक्ष हैं और जो हमले हैं वो हम बीजेपी नेताओं की ओर से देख रहे हैं और इसी फेहरिस्त में जेपी नड्डा की ओर से एक बड़ा हमला।